हाय एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम लोग CMA फाउंडेशन की लॉ कर रहे थे। स्टडी नोट नंबर 3 हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर रहे थे, इसका हमने एक लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम उसका नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। सो गाइस, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, वो है अपना चेक। सो दोस्तों, इसको समझना बड़ा आसान है, क्योंकि काफ़ी बार हम लोगों ने प्रैक्टिकली और फिजिकली चेक को देखा है, तो हम समझ सकते हैं कि चेक क्या है, चेक क्या होता था। अगर हमें मतलब काफी साल पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, चेक की ज्यादा इसलिए डिमांड में थी, उस समय हमारे पास ATM, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर ऐसी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आजकल ATM अवेलेबल है, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर है, चेक की उतनी वैल्यू नहीं है। मतलब आप, मगर मैं बोलूँ तो एक काम तो खत्म हो चुका है, एक काम जो उसका पहले भी इंपॉर्टेंट था, आज भी लगभग है ही। वैसे देखेंगे तो आजकल NEFT, RTGS आ चुके हैं, तो चेक अब समझेगा क्या होता है। अब क्या है दोस्तों, चेक क्या होता है कि पहले मान लीजिए अगर मुझे पैसा निकालना था, तो हम लोग, हमारे जो बुजुर्ग थे वो चेक से ही पैसा निकालते थे। लेकिन अब ऑनलाइन ट्रांसफर आ गया है, फंड ट्रांसफर हो गया है, ATM आ चुका है, तो चेक की वो वाली वैल्यू तो खत्म हो गई। लेकिन अगर आप किसी को पेमेंट करनी है, तो आज भी हम फिर भी चेक का इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 6 में डिफाइंड किया गया है नेगोशियबल, उसको चेक को नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के चेक को डिफाइन किया गया है। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर, पेबल ऑन डिमांड। ध्यान रखना, चेक की सबसे बड़ी खास बात यह है, चेक इज पेबल ऑन डिमांड। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। काफी बार ये क्वेश्चन एक नंबर में MCQ में आएगा, चेक इज ऑलवेज ऑन डिमांड। इट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक इमेज का मतलब हम फंड ट्रांसफर भी कर दे, इलेक्ट्रॉनिकली भी हम एक चेक को इलेक्ट्रॉनिकली भी, चेक की हेल्प से हम फंड ट्रांसफर कर दे। आजकल ज्यादा ही ऐसा चलता है, उसको हम ट्रंकेट चेक भी कहते हैं। अभी पढ़ेंगे हम, देखा हुआ ना, ऑफ ट्रंकेट चेक, ट्रंकेट चेक एंड चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। एक बार पढ़ लेते हैं ट्रंकेट चेक क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। तो क्या होता है कि जो एक चेक होता है ना, जब हम चेक की प्रोसेसिंग करते हैं तो 3-4 दिन 5-6 दिन ले लेता है ये। लेकिन ट्रंकेट चेक क्या होता है, हमारे पास एक ऑनलाइन चेक भी होता है, हम क्या करते हैं ऑनलाइन ही उस चेक की हेल्प से, उसमें हमारे सिग्नेचर ऑटोमेटिक फिल्ड होते हैं, हमने इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दी हुई होती है बैंक को, तो हमारा उसके थ्रू ऑनलाइन पेमेंट थोड़ा इजी है, थोड़ा जल्दी हो जाता है पेमेंट इससे। क्लियरिंग हाउस का मतलब आरबीआई जो है एक डिपार्टमेंट अपॉइंट करता है जो चेक के क्लियरिंग पर कंट्रोल रखता है, कि बच्चे अभी चेक क्लियर क्यों नहीं हुआ, कहाँ तक चेक का स्टेटस क्या है, तो आरबीआई अपॉइंट करता है। दो खास बातें जो हैं चेक की है, इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, बैंकर जो हमेशा स्पेसिफाइड होगा, और इट इज पेबल ऑलवेज ऑन डिमांड। ओके, ये ऑलवेज ऑन डिमांड है। चेक में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। ड्रॉवर क्या होता है, द कस्टमर हु साइन द चेक इज कॉल्ड ड्रॉवर, यानी जो चेक को बनाता है, जिस पर चेक के साइन होते हैं, वो मेरा ड्रॉवर कहलाता है। बैंक का मतलब जिसका नाम लिखा होता है चेक पर मेरा। पे का मतलब जिसको पैसा मिलेगा। चेक की खास बातें क्या हैं? अ चेक मस्ट बी इन ऑर्डर इन राइटिंग, चेक में ऑर्डर होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर, मतलब कोई ऑर्डर तो होना चाहिए लेकिन कोई कंडीशन वंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए। चेक मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, चेक की सबसे बड़ी खास बात साइंड होनी चाहिए मेकर की। द अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफिकली मेंशन इन फिगर एंड वर्ड, यानी जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा है अमाउंट 400 और यहाँ पर लिखा है चेक के ऊपर 400 ओनली, तो कहने का मतलब ये चेक में न्यूमेरिकल भी होना चाहिए और वर्ड्स भी होने चाहिए। मान लीजिए अगर कई बार क्या होता है, बाई मिस्टेक यहाँ पर 400 लिख दिया, यहाँ लिख दिया आपने 4000, यानी यहाँ पर वर्डिंग में आ रहा है 4000 और लिखे में आ रहा है न्यूमेरिकल में 400, तो ये माना जाता है चेक पे जो ये लिखा हुआ है ना इंग्लिश में, ये क्या होगा, वैलिड होगा, पेबल ऑन डिमांड होता है। चेक मार्क कंटेन द डेट, चेक में डेट होना बड़ा जरूरी है। आपने देखा होगा जब हम चेक बनाते थे, आप लोगों ने भी काफी बार चेक बनाया होगा, तो जब हम चेक बनाते हैं तो उसमें डेट होना जरूरी है। पे टू बी सर्टन, पे किसको पे करना है वो भी सर्टन होना चाहिए। ड्यू डेट क्या होता है दोस्तों, ये बोला जाता है कि जब बिल की ड्यू डेट आती है तो उसमें हम 3 दिन और ऐड कर देते हैं, यानी 3 दिन का और रिलैक्सेशन दे देते हैं। जिस 3 दिन के रिलैक्स देते हैं, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में भी पढ़ेंगे, हमने पढ़ा भी, हमने 3 डेज हम जो ऐड करते हैं उसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। लेकिन ग्रेस पीरियड यानी 3 डेज का ग्रेस पीरियड कब नहीं मिलेगा, अगर चेक है, क्योंकि चेक ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होता है, उसमें कोई डे ऐड नहीं होता। अगर कोई बिल भी अगर डिमांड है, यानी डिमांड बिल पर कभी भी हम 3 दिन का डेज ऑफ ग्रेस पीरियड ऐड नहीं करते। अ बिल और नोट इन विच नो टाइम इज मेंशन, अगर टाइम मेंशन नहीं है तो मान के चलेंगे कि वो पेबल ऑन डिमांड है। इंस्ट्रूमेंट एंटाइटल्ड टू पीरियड ऑफ ग्रेस आर, इंस्ट्रूमेंट इंटाइटल टू पीरियड ऑफ ग्रेस आर अ बिल और नोट पेबल ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, किस पर हमें ग्रेस का जो 3 दिन है वो मिलेगा,
बिल और नोट पेबल ऑन अ स्पेसिफाइड डे, कई बार जो स्पेसिफाइड डे होता है उसमें हम प्लस 3 दिन ऐड करते हैं, और आफ्टर साइट वाले जो बिल होते हैं उसमें भी हम 3 दिन ऐड करते हैं। अब बिल और नोट पेबल एट अ सर्टेन पीरियड ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, एक सर्टेन पीरियड का होता है और सर्टेन इवेंट के हैपन होने पर हम 3 दिन ऐड बैक करेंगे। तीन एग्जांपल से समझते हैं। 6 फरवरी का था, 90 दिन का था, तो 6 से कितना हो गया हमारा 6 मई, और 6 मई में 3 दिन और ऐड कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 9 मई, 9 मई आ गया। और 1 जनवरी था, 30 दिन का था, तो 1 जनवरी से आपका 30 दिन हो गया आपका 29 फरवरी, 29 फरवरी में 3 दिन जोड़ो, 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च, 3 मार्च इसकी ड्यू डेट आ जाएगी। अब तीसरे एग्जांपल में समझाया गया, मान लीजिए हमारी ड्यू डेट जो है 9 मई 2016 थी, और 9 मई को मान लीजिए संडे पड़ गया, तो कभी भी अगर मान लीजिए पहले से पता हॉलीडे हो या कोई पब्लिक हॉलीडे हो, मान लीजिए 2 अक्टूबर हो गया जो हमारी पब्लिक छुट्टी होती है, 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, तो हम उससे एक दिन पहले का ही मान के चलते हैं कि ड्यू डेट जो होगा उससे एक दिन पहले का होगा। अब हम देख लेते हैं तीनों में डिफरेंस क्या होता है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में डिफरेंस क्या है। पार्टीज, प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती है, मेकर और पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। चेक में होती है ड्रॉवर, बैंकर एंड पेई। नेचर, कंटेन एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस, प्रॉमिस बाय मेकर टू पे द पेई। यहाँ पर मेकर क्या है, पेई। नेचर क्या है इसमें, कि इसमें अनकंडीशनल प्रॉमिस होती है कि मेकर किसको, पेई को पे करेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू द ड्रॉई टू पे द पेई। इसमें क्या होता है, ड्रॉई को होता है, ये सिंपल था कि मतलब कि एक अनकंडीशनल ऑर्डर था कि कोई कंडीशन नहीं लगी होती है, लेकिन दिखा रहा होता है कि भाई पेयर को पे, जो पे है वो पेई को पे करेगा। ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर टू पे ऑन डिमांड, सिंपल था कि अपने बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई जो जिसका नाम लिखा है उसको पे कर दे। एक्सेप्टेंस, नॉट नेसेसरी, नेसेसरी है इसमें और इसमें नॉट नेसेसरी है। लाइबिलिटी ऑफ मेकर इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट, लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉवर इज कंडीशनल एंड सेकेंडरी, लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉवर इज कंडीशनल एंड सेकेंडरी, इसमें भी सेकेंडरी है। नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं नेसेसरी है इसमें, नेसेसरी को क्या आपने देखा बिल ऑफ एक्सचेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो डिसऑनर हो गया नॉट नेसेसरी। पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है और आफ्टर स्पेसिफाइड भी हो सकता है, और इसमें आफ्टर ऑन डिमांड और आफ्टर स्पेसिफाइड, लेकिन ये केवल ऑन डिमांड होता है। प्रोमिसरी नोट ऑन डिमांड भी हो सकता है और आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम भी हो सकता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज भी सेम है, ऑन डिमांड भी हो सकता है, स्पेसिफाइड डेट के बाद भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा ऑलवेज, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, जो चेक होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होगा। क्रॉसिंग जो है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, और चेक जाना ही इसलिए जाता है क्रॉसिंग के लिए। नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग इन केस ऑफ डिसऑनर नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द फैक्ट ऑफ डिसऑनर और नॉट रिक्वायर्ड। ग्रेस पीरियड अवेलेबल इफ पेबल आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, और ये भी है पेबल आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, इसमें तो ये पेबल ऑन डिमांड होता है, डेज जो ग्रेस पीरियड है उसका यहाँ पर होता ही नहीं है। अदर फीचर, नंबर होना चाहिए उसमें, डेट होनी चाहिए, प्लेस नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टैंप होना चाहिए। नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, प्लेस नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टैंप होना चाहिए। इसमें डेट होना चाहिए, प्लेस भी होना चाहिए और टाइम भी होना चाहिए, लेकिन प्लेस स्टैंप होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्टैंप होता है। दोस्तों पढ़ेंगे क्रॉसिंग। क्रॉसिंग क्या होता है दोस्तों, कि अगर किसी भी चेक में हम इस तरीके की 2 लाइन मार देते हैं, मान लीजिए चेक है मेरा, ये मेरा चेक है, और हम चेक में कई बार देखा होगा हम ऐसी लाइन मारते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब होता है दोस्तों, क्या कई बार हम क्या कर देते हैं कि क्रॉसिंग करने का ऑब्जेक्ट ये होता है हमारा, कि जैसे मान लीजिए मैंने ये कर दिया, ये मेरा चेक है, यहाँ पर मैंने क्रॉसिंग कर दिया, उस बंदे का नाम डाल दिया, तो उस बंदे को ही मिलेगा ये, इसका अमाउंट किसी और को नहीं मिलेगा। ये धोखाधड़ी होना, चेक चोरी हो जाना, ये चेक गुम हो गया, तो जिसको मिलेगा वो उस पैसे का मिसयूज ना कर ले, उस चेक का मिसयूज ना कर ले, तो इन सब चीजों के लिए हम क्रॉसिंग कर देते हैं। तो अगर अगर क्रॉस अगर चेक हो भी गया ना, तो कोई फायदा नहीं है, जिसको मिलेगा वो कुछ नहीं कर सकता। काइंड ऑफ क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग, अब हम देख लेते हैं दोनों को। जनरल क्रॉसिंग, अगर क्रॉसिंग में ये इस तरीके की है, एंड कंपनी लिखा है, एंड कंपनी लिखा है, नॉट नेग्लिजिबल, पेज अकाउंट अंडर रुपीज ना लिखा है, तो ये हमारा होगा जनरल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में दोस्तों क्या होता है, कई बार ना बैंक का नाम भी आ जाता है, कई बार क्या होता है कि बैंक का नाम भी आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं लिखूँ बंधन बैंक लिख दूँ या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दूँ, तो ये मेरा स्पेशल क्रॉसिंग हो जाता है। उसके बाद अकाउंट पे क्रॉसिंग का मतलब होता है, कई बार क्या कि मैं उस चेक में
मैं ले देता हूँ कि जो क्रॉस चेक कर देता हूँ और उसमें अकाउंट पे ही का स्पेसिफिक नाम ले देता हूँ। अगर मैं उसका स्पेसिफिकली उसके अकाउंट की डिटेल मेंटेन कर देता हूँ, उस बंदे का नाम लिख देता हूँ, तो अब पैसा केवल और केवल उस व्यक्ति को ही मिलेगा। यहाँ ले देते हैं हम अकाउंट पे ही, कंपनी अकाउंट पे ही बैंक का नाम लिख देते हैं, उस बंदे का नाम लिख देते हैं रेडियन कंपनी। ठीक है, कई बार हम वर्ड लिख देते हैं नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग भी, कई बार डबल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, देखो डबल क्रॉसिंग और सेकंड क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमने लिख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI लिख दिया, अगर मान लीजिए SBI है किसी और बैंक को चेक देता है तो वो भी लिख देगा, यहाँ पर मान लीजिए बंधन बैंक, तो देख रहे दो बैंकों के नाम आ जाते हैं, डबल क्रॉसिंग हो जाती है, इसको देख रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर आंध्रा बैंक। ओके, तो दो व्यक्तियों के जब नाम आ जाते हैं डबल क्रॉसिंग हो जाती है, इसको हम डबल क्रॉसिंग बोलते हैं। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों क्या पढ़ा था हमने। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, चेक पर ग्रेस पीरियड 3 दिन का नहीं मिलता है। चेक को डिफाइन किया गया है दोस्तों सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। चेक में ग्रेस पीरियड कभी भी नहीं होते। चेक की दो खास बातें होती है कि चेक ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड और ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। पार्टीज कितनी होती है, 3 होती है, ड्रॉवर होता है, ड्रॉई होता है और पेई होता है। ड्रॉवर का मतलब जो उस चेक को बनाता है, ड्रॉई मतलब जो बैंक, जो बैंक होता है, और पेई का मतलब जिसको अल्टीमेट पैसा मिलेगा। चेक की खास बात क्या है कि चेक राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर यानी कोई कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए, साइंड होना चाहिए, फिगर एंड वर्ड्स लिखी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए फिगर और वर्ड मिसमैच है तो आप किसको ट्रू मानोगे, जो वर्ड लिखा है उसको हम एग्जैक्ट अमाउंट मानेंगे। चेक ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड है, द चेक मस्ट कंटेन द डेट, चेक में डेट होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, चेक में स्टंप होना नेसेसरी नहीं है। अगर चेक में स्टंप नहीं है कभी भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। पेई टू बी सर्टन, जो पेई है वो सर्टेन होना चाहिए। हु कैन क्रॉस अ चेक, अगर आपको लगता है दोस्तों ड्रॉवर जो है वो भी कर सकता है, उसको लगता है कि भाई मान लीजिए मेरा चेक गुम हो जाएगा तो उसका मिस यूज ना हो, तो आप चेक को क्रॉस कर सकते हो। डेज ऑफ ग्रे जो होते हैं, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया या चेक हो गया, चेक कभी भी ग्रेस पीरियड नहीं मिलते। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है जो ड्यू डेट होती है उसमें हम 3 दिन और एडबैक कर देते हैं, यानी 3 दिन का और रिलैक्स दे देते हैं हम। और कभी भी चेक, अगर मान लीजिए चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट अभी किसी भी पब्लिक हॉलीडे यानी 26 जनवरी, 15 अगस्त को पढ़ते हैं या संडे को पढ़ते हैं, तो हम उससे एक दिन पहले का जो दिन होगा उसको मानते हैं ड्यू डेट। डिफरेंस पढ़ लिया हमने। क्रॉसिंग का मतलब हम दो लाइन मार देते हैं, इससे क्या होता है कि ये मेंशन कर देते हैं कि इस बंदे को ही स्पेसिफिकली मिलना, पैसा मिलना चाहिए, इस बंदे को जिसकी डिटेल हमने दी हुई है। क्रॉसिंग करने का पर्पस ये होता है कि कई बार इसका चेक का मिसयूज होने से बचाने के लिए ही हम क्रॉसिंग करते हैं। जर्नल क्रॉसिंग, मान लीजिए मैंने केवल अगर क्रॉसिंग करता हूँ और ये सारे नाम लिख देता हूँ मैं, अकाउंट एंड कंपनी नॉट नेगोशिएबल, पेज अकाउंट अंडर रुपी दिस, तो ये सब मेरे क्या आते हैं जनरल क्रॉसिंग में। स्पेशल में अगर मैं बैंक के नाम मेंशन कर देता हूं तो स्पेशल क्रॉसिंग हो जाता है। अकाउंट पे मतलब जिस बंदे को पे करना है एग्जैक्ट पूरी डिटेल उस बंदे की अगर हम डाल देते हैं तो अकाउंट पे क्रॉसिंग हो जाता है। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग अगर हम लिख देते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रांसफर नहीं होगा, फिर भी नॉट हम ट्रांसफर कर सकते हैं। डबल क्रॉसिंग और सेकेंड स्पेशल क्रॉसिंग, कई बार क्या होता है मान लीजिए जिस बंदे के लिए हमने स्पेशल लिख दिया कि इस बंदे को हमें क्या करना है, पे करना है, उस बंदे को अमाउंट रिसीव हो गया और वो चेक, मान लीजिए अब वो चेक किसी और बंदे को देना चाहता है, तो वो डबल क्रॉसिंग कर सकता है, सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है और ये अलाउड है। तो दोस्तों ये था हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसके बाद जो हमारे पास बचा हुआ है दोस्तों एथिक्स बचा हुआ है, जिसको आराम से इजीली कर लेंगे, फिर सारे MCQs करेंगे हम लोग इस चैप्टर के, सारे MCQs एवरीथिंग वी विल कवर, सो डू नॉट वरी अबाउट दिस, हम लोग एथिक्स करेंगे इसके बाद। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो किसी भी टॉपिक को दोबारा से अगर मुझे कवर कराना है तो बिल्कुल मैं उस चीज को कवर करा दूंगा। फ्रॉम माई साइड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन अ न्यू एंड फ्रेश लेक्चर ऑफ एथिक्स। फ्रॉम माई साइड दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, बाय गाइज़।